नाम से बिकते हैं यहाँ के मसाले। दरअसल नागौर के खींवसर तहसील में मरुद्रा मसाला उद्योग की शुरुआत 1998 में हनुमान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। धीरे धीरे मसाला उद्योग प्रसिद्ध होता गया, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि 1998 से लेकर आज तक एक जैसा क्वालिटी का माल तथा एक ही स्वाद का माल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर चार तरह की सामग्री मुख्यतः मिलती है, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, धाना तथा जीरा मिलता है। इनकी बात करें तो मिर्ची आती है मथानिया जोधपुर से तथा हल्दी महाराष्ट्र के सांगली क्षेत्र से, धनिया रामगढ़ कोटा मंडी से आता है। इस उद्योग के मसाले दुबई, जापान तथा ब्रिटेन सहित कई देशों में जाते हैं तथा भारत में भी इनको अलग अलग क्षेत्रों में मंगवाया जाता है। ब्रिटेन, दुबई तथा जापान की बात करें तो यहाँ के लोकल लोग कुछ बाहर रहते हैं वो ले जाते हैं तथा कुछ विदेशी पर्यटक खींवसर फोर्ट को देखने आते हैं तो ले जाते हैं। यहाँ की जो मिर्च है हमारे यहाँ लोकल तिवरी मथानिया, यहाँ की मिर्च विश्व में प्रसिद्ध है, वो मैं क्वालिटी काम लेता हूँ। इनकी कौन सी क्वालिटी होती है जिसका नहीं प्रसिद्ध? इसमें हरिपुर, रायपुर, मेहसाणा, मंडोरिया और एक देसी मिर्च फिर आती है, वो एक अलग ब्रीड है, वो 3-4 ब्रीड है, ये हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। तो आपका ये सामग्री है ये कहीं पर भी बाहर जाती है तो किस प्रकार जाती है? हाँ, सब बाहर जाती है, विदेशों में भी जाती है। जो यहाँ के लोकल आदमी बाहर रहते हैं वो आते हैं यहाँ पर, वो लेके जाते हैं, फिर वो उनके तरफ से मांग होती है कि हमारे ही लेके आओ, जब वो हमारे यहाँ से वो लेके जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहीं पे जो जाती है, अगर वो ऑर्डर करते हैं तो बस द्वार हम रखवा देते हैं, वो वहाँ उतरा लेते हैं। अच्छा है सर, ना तो ज़्यादा तीखी है ना मीठी है, अच्छी मीडियम स्वाद है। हल्दी है, इसका भी अच्छा टेस्ट है। ये जो हल्दी है राजापुरी, सांगली, ये काम लेते हैं, जो अच्छी वेराइटी है। धनिया है और यहाँ से रामगंज मंडी से लाते हैं, रामगंज मंडी की क्वालिटी अच्छी है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। कोटा मंडी का धनिया तो ऐसे प्रसिद्ध है। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान सिंह है सर, मरुद्रा मसाला उद्योग खेवसर है सर।